हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ भवेश कुमार, इंटरमीडिएट फैकल्टी ABM कॉलेज जमशेदपुर। आज इस वीडियो क्लास को स्टार्ट करने से पहले हम आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाह रहे हैं कि आप सभी 12th ज्योग्राफी के स्टूडेंट्स ABM कॉलेज की वेबसाइट www.intersection.com पे ज़रूर जाएं और वहाँ से भूगोल विषय के मॉडल सेट क्वेश्चन को आप लोगों को के लिए उपलब्ध कराया गया है। वो लगभग 5 मॉडल सेट क्वेश्चन है, तो उसको भी आपको तैयार करने हैं। उसके अलावा हम लोग अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सीरीज़ कर रहे हैं, तो आज इस सीरीज़ में हम लोग प्रीवियस ईयर 2017 के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे ज्योग्राफी सब्जेक्ट के स्टूडेंट्स के लिए, जैक इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन जो पूछा गया है 2017 में। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, हु कॉइन द टर्म ज्योग्राफी, किसने सर्वप्रथम भूगोल शब्द को गढ़ा, या कह लीजिए किसने भूगोल शब्द का उपयोग सर्वप्रथम किया। तो पहला हम्बोल्ट, दूसरा हूपर, तीसरा इराटोस्थनीज और चौथा डार्विन है। जब भी आपसे क्वेश्चन पूछे कि हु कॉइन द टर्म ज्योग्राफी, तो ज्योग्राफी भूगोल शब्द, ज्योग्राफी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया या गढ़ा किसने, तो इसका जो आंसर होगा वो इराटोस्थनीज होगा। ये इराटोस्थनीज मूलतः जर्मनी के थे, विद्वान हैं, और जब आपको फादर ऑफ ज्योग्राफी पूछते तो उसका सही आंसर है हिकेटियस। तो इसमें स्टूडेंट्स बहुत कन्फ्यूज करते हैं, तो इसका आप ज़रा ध्यान देंगे। भूगोल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम इराटोस्थनीज ने और फादर ऑफ ज्योग्राफी भूगोल के पिता हिकेटियस को कहा जाता है, और हिकेटियस भी जर्मनी के ही स्कॉलर रहे। दूसरा क्वेश्चन जो पूछा गया है, विच फ्रेंच स्कॉलर फर्स्ट यूज द टर्म पॉसिबिलिज्म, इसका हिंदी अनुवाद है कि किस फ्रेंच विद्वान ने सर्वप्रथम संभववाद या संभावनावाद शब्द का प्रयोग किया। तो विडाल डी ला ब्लास, लुशियन फेब्रे, फ्रांसिस बेकन और चौथा ऑप्शन है जीन ब्रूंस। तो इसका जो सही जवाब है ये है फ्रांस के विद्वान, जो एक तरह से वहाँ के संस्थापक रहे हैं, वहाँ को भूगोल को इस्टेब्लिश करने में उनका बहुत बड़ा रोल है, वो ब्लास का है, ब्लास महोदय। बाकी जितने भी फ्रांसिस विद्वान हैं वो सब कहीं ना कहीं इनके शिष्य रहे हैं, और ब्लास के बारे में आप जान लीजिए कि वो फ्रांस विश्वविद्यालय में एक वरिष्ठ प्रोफेसर के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे थे। जो ये जो चौथा नंबर ऑप्शन है जीन्स ब्रूंस, ये इनके शिष्य हैं। तीसरा क्वेश्चन आ रहा है जो पूछा गया है, इन विच एरिया मैक्सिमम पॉपुलेशन इज कॉन्सेंट्रेटेड इन द वर्ल्ड, विश्व के किस हिस्से में सर्वाधिक जनसंख्या का संकेंद्रण है, या फिर कह लीजिए सर्वाधिक जनसंख्या केंद्रित है, या विश्व के किस हिस्से में सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है। तो पहला ऑप्शन हिली एरिया, गलती से यहाँ पे मैदानी भाग लिखा गया है, ये पर्वतीय भाग होगा, प्लेट्यू पठारी भाग, प्लेन एरिया मैदानी भाग, और डेजर्टी एरिया मरुस्थलीय भाग। तो इसका जो सही जवाब है वो है मैदानी भाग। आप जान लीजिए कहीं भी जनसंख्या का सबसे ज़्यादा जो संकेंद्रण होगा या लोग रहेंगे वो मैदानी क्षेत्र में ही रहेंगे, वो इसीलिए क्योंकि मैदानी क्षेत्र का जो धरातल है वो समतल होता है कहीं ना कहीं, और समतल होने से लोग कृषि कार्य में वहाँ आसानी से कृषि कार्य कर पाते हैं। इसके अलावा और भी तमाम तरह के जो आय के स्रोत हैं, जैसे परिवहन में, सेवा क्षेत्र में, प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक जितने भी तरह के क्रियाकलाप हैं वो सब इसी मैदानी क्षेत्रों में आसानी से और सबसे ज़्यादा होता है। इसके अलावा जो जिस क्षेत्र में जनसंख्या का संकेंद्रण सबसे ज़्यादा है वो पठारी क्षेत्र है, उसके बाद पहाड़ी क्षेत्र है, और सबसे अंत में डेजर्टी मरुस्थलीय क्षेत्र। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, विच कंट्री ऑफ द वर्ल्ड लीड्स इन द लेंथ ऑफ रोड्स, मतलब किस देश में रोड का जो जाल है वो सर्वाधिक है, मतलब सबसे ज़्यादा रोड की लंबाई
किस देश में है, वर्ल्ड के किस देश में? पहला कनाडा, यूएसए, ब्राज़ील और इंडिया। कनाडा जो है ये आपको नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप का एक देश है, यूएसए नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप का देश है, और यही इसका सही आंसर है, यूएसए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, हिंदी में संयुक्त राज्य अमेरिका। ब्राज़ील जो है ये आपका दक्षिणी अमेरिका महादेश का देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ WTO, विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है? तो पहला जकार्ता, जकार्ता जो है ये इंडोनेशिया की राजधानी है। मॉन्टेविडियो, मॉन्टेविडियो जो है उरुग्वे की राजधानी है, और उरुग्वे दक्षिण अमेरिका कॉन्टिनेंट का एक देश है। जिनेवा स्विट्ज़रलैंड का एक फेमस सिटी है, और स्विट्ज़रलैंड यूरोप महादेश का एक देश है। और चौथा नंबर है ब्रुसेल्स, ये ब्रुसेल्स जो है कैपिटल ऑफ बेल्जियम है, और बेल्जियम यूरोप कॉन्टिनेंट का एक देश है। तो इसका सही जवाब जो है, जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय है वो जेनेवा, इसका सही जवाब है, जो कि स्विट्ज़रलैंड का एक फेमस सिटी है, प्रसिद्ध देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द बिजिएस्ट ओशन रूट ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड का विश्व का सबसे व्यस्ततम समुद्री मार्ग या महासागरीय मार्ग कौन सा है? तो केप रूट, केप मार्ग, उत्तरी प्रशांत महासागरीय मार्ग, नॉर्थ पैसिफिक ओशन रूट, नॉर्थ अटलांटिक रूट, उत्तरी अंध मार्ग या साउथ अटलांटिक रूट, दक्षिणी अंध मार्ग। देखिए, अंध मार्ग कह लीजिए या फिर अटलांटिक मार्ग कह लीजिए, एक ही बात है। अटलांटिक महासागर को ही अंध महासागर कहा जाता है, वो जो एस शेप में है अटलांटिक महासागर, उस बीचों बीच इक्वेटर आप 0 डिग्री, उसके ऊपर वाला जो हिस्सा है वो उत्तरी अटलांटिक कहा जाता है, और नीचे वाला हिस्सा दक्षिणी अटलांटिक कहलाता है। तो वो उत्तरी अटलांटिक मार्ग जो है ये इसका सही जवाब है, बिजिएस्ट रूट है। और इसका जो जैसे आप देख लीजिए, यूरोप का पश्चिमी क्षेत्र, पश्चिमी किनारा, और यूएसए कनाडा या फिर कह लीजिए नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट का पूर्वी छोर, पूर्वी किनारा, इस किनारे से जो भी व्यापार होता है वो सब नॉर्थ अटलांटिक रूट, उत्तरी अंध महासागरीय रूट के जरिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंट्री विच विद 100% अर्बन पॉपुलेशन इज, वैसा देश जहाँ 100% नगरीय जनसंख्या है, तो सिंगापुर, थाईलैंड, जापान, इंडोनेशिया। तो इसका सही आंसर है सिंगापुर। सिंगापुर जो है वो एशिया कॉन्टिनेंट का एक देश है, सिंगापुर। इसमें देखिए गलत स्लाइड में गलत आ गया है, इसका सही आंसर है पहला नंबर सिंगापुर। इसके अलावा एशिया में और भी जो 100% अर्बन पॉपुलेशन वाला कंट्री है उसमें कुवैत है, यूरोप में कह लीजिए तो यूरोप में एक देश है वेटिकन सिटी, वो है। तो इस 7वें नंबर का क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो सिंगापुर है, इसको ध्यान से आप ध्यान रखेंगे। एक चीज़ और ध्यान देंगे, जो भी आपको जो स्टडी मटेरियल या नोट्स प्रोवाइड कराए जा रहे हैं वहाँ भी कुछ आंसर गलत उसमें टिक लगाया गया है, गलत वो मिसप्रिंट है, तो उसको, लेकिन आपको यहाँ जो इस वीडियो के माध्यम से बताया जा रहा है वो आप उसी को आप यकीन करेंगे वही सही है, उसको भी आप सही कर लेंगे ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 8, विच स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट रिसोर्स ऑफ मैग्नीज, मतलब कौन से राज्य में मैग्नीज का सबसे बड़ा भंडार है? कह लीजिए झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश। तो मैग्नीज का सबसे ज़्यादा भंडार है वो है उड़ीसा राज्य में, उड़ीसा राज्य इसका सही जवाब है, बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9,
यूज ऑफ विच मेटल इज प्रॉपर इन प्लेस ऑफ कॉपर फॉर इट्स कंजर्वेशन, मतलब संरक्षण की दृष्टि से वो कौन सा ऐसा मेटल है, धातु है, जिसको हम लोग कॉपर के जगह में प्रॉपर ढंग से इस्तेमाल कर सकते हैं, कॉपर के बदले भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऑप्शन कॉपर मतलब तांबा, प्लेटिनम, आयरन, एल्यूमिनियम और सिल्वर। तो इसका सही आंसर है एल्यूमिनियम। अब इसको एक आपको एग्जांपल से हम बताएं, घर में आप देखेंगे अपने व्यवहारिक जीवन में कि हम लोग कॉपर का वायर यूज़ करते हैं, तांबे का तार कहीं कहीं यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी में, और कभी कभी हम लोग एल्युमिनियम का भी तार यूज़ करते हैं। तो कॉपर का एक विकल्प आप एल्युमिनियम को रख सकते हैं। कॉपर इसके बनिस्पत, एल्युमिनियम के बनिस्पत ज़्यादा महंगा है, इस वजह से भी लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने वो उसके अनुसार इसको यूज़ करते हैं। तो इन विच स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ कोल इन इंडिया, कौन से राज्य में कोयले का सर्वाधिक भंडार है? वेस्ट बंगाल, झारखंड, उड़ीसा और मध्य प्रदेश। तो सर्वाधिक जो भंडार है वो है झारखंड में, दूसरे नंबर पे जो है वो है उड़ीसा, तीसरे नंबर पे कोयले का जो सर्वाधिक भंडार है भारत में वो है छत्तीसगढ़, चौथे स्थान पे पश्चिम बंगाल और पांचवे स्थान पे है मध्य प्रदेश। तो ये था आज का ये 10 क्वेश्चन, इसको हमने आपसे डिस्कस किया। नेक्स्ट आपको शॉर्ट टाइप क्वेश्चन और फिर लॉन्ग टाइप क्वेश्चन के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर कमेंट बॉक्स चेक कीजिए, वहाँ हमने आपको प्रोवाइड किया है, वहाँ से डाउनलोड कीजिए और उसको कॉपी में नोट डाउन कीजिए, हमें पर्सनली भेज कर लिख करके दिखाइए। कॉलेज खुलने से सारे क्वेश्चंस को हम आपको चेक करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, सी यू नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।